पानी की कमी को देखते हुए डीएस ग्रुप मध्य प्रदेश में वाटर इकोनॉमिक जोन की शुरुआत की जा रही है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर डीएस ग्रुप के असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रभाकांत जैन ने बताया कि वाटर कंजर्वेशन डीएस ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल है जिस पर वे लोग काम करते हैं। पूरा विश्व इस समय वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है, साथ ही भारत में भी पानी की उपलब्धता बहुत कम है। खासतौर से गर्मियों में कई जगह पर लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं रहता, इसलिए इस पर काम करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में अभी खंडवा और बैतूल में इसकी पहल की गई है। इन दोनों जगहों पर पंचायत से भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जगह के चयन को लेकर उन्होंने बताया कि जहां पर काम करते हैं वहां के निवासियों की आवश्यकता क्या है और उन्हें पूरा करने के साधन क्या है, इस पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि वहां पानी की जरूरत कितनी है और कितना पानी मिल रहा है, इसके अनुसार ही डिसाइड किया जाता है कि वहां पर किस तरह के स्ट्रक्चर बनने चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर बनने से वहां के बोरवेल और कुओं का वाटर लेवल बढ़ता है। जो इसके दो बहुत मेजर कारण है, एक तो वाटर कंजर्वेशन डीएस ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल है जिसपे हम लोग काम करते हैं, एक वो रीजन है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो वाटर एक ऐसा क्राइसिस है जो पूरे वर्ल्ड को अपने में फैला हुआ है और इंडिया भी उसमें इस क्राइसिस में बहुत इन्वॉल्व हो चुका है। जिस तरीके से उसको इंडिया में क्राइसिस है और हमारे यहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, और खासतौर से हम गर्मियों में देखते हैं कि जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि लोगों के पास में पीने का पानी नहीं है, वो एक मूलभूत आवश्यकता को लेकर स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक विशेष तौर पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस मुद्दे पे काम करना चाहिए, और मध्य प्रदेश में भी हमने करीबन 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट को असेस करने के बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें खंडवा और बैतूल, इन दो जगहों पे इस प्रोजेक्ट को अभी हमें लॉन्च करना है। और यहाँ पे जब हम काम करने के बाद जब हमारी लर्निंग होगी और एक्सपीरियंसेज होंगे, इसके बाद हम और कम्युनिटीज में भी जाएंगे। देखिए, जगह को चयन करने के हमारे 3 बहुत मेजर क्राइटेरिया होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस जगह पे भी हम काम करने जा रहे हैं वहाँ की कम्युनिटी की आवश्यकता क्या है और कम्युनिटी के पास में रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी के पास में ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, खासतौर से जो आदिवासी कम्युनिटी हो या जिनके पास में रिसोर्सेज उपलब्ध ना हो, एक हमारा ये फैक्टर होता है।